जिस आदमी का मुंह काला करके गधे पर बैठाकर घुमाया जा रहा है, उस आदमी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का इंतजाम कर दिया है। एक साल पहले बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम को राजस्थान में बीएसपी के कथित समर्थकों ने यूं बेइज्जत किया था, लेकिन अब मायावती उन्हें राज्यसभा भेज रही है। 6 विधायकों के बागी होने और सपा के समर्थन से पर्चा भरने वाले प्रकाश बजाज का नामांकन रद्द होने के बाद रामजी गौतम का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन ये रामजी गौतम हैं कौन, आइए आपको इनकी पूरी प्रोफाइल बताते हैं। रामजी गौतम फिलहाल बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। इस समय उन्हें बिहार और एमपी का प्रभारी भी बनाया गया है। साल 2018 में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रामजी गौतम को बीएसपी का उपाध्यक्ष बनाया था। हालांकि वे कभी एमपी या एमएलए नहीं रहे, लेकिन पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे हैं। 41 साल के रामजी गौतम केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, साथ ही रामजी ने एमबीए की पढ़ाई भी की है। रामजी गौतम बीएसपी की रणनीतिकार टीम का भी हिस्सा हैं। वे बुंदेलखंड में पार्टी के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, साथ ही तेलंगाना में भी गौतम बीएसपी का कामकाज देख चुके हैं। रामजी गौतम के कामकाज को देखते हुए मायावती ने उन्हें बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसा अहम पद सौंपा था। हालांकि पिछले साल उनके राष्ट्रीय संयोजक रहते हुए उन पर टिकट बेचने का आरोप लगा और राजस्थान में उन्हें अपमानित भी किया गया। तब मायावती ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया था, लेकिन अब बीएसपी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का इंतजाम कर बड़ा सम्मान दिया है। मायावती के करीबी माने जाने वाले रामजी गौतम अब जल्द ही देश की संसद में पार्टी और बहुजनों की आवाज बुलंद करते हुए नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्र, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।